विजय मित्र, अगले वीडियो में क्या देखा हमने कि तीनों स्त्रियां अपने बेटों के बारे में कैसी प्रशंसा करती हैं। मेरा बेटा है इतना बलवान है, इतना सब वो श्लोक याद होते हैं, मेरे बेटे शक्तिशाली, इससे सब तीनों स्त्रियां बातें करते हैं। लेकिन जो चौथी स्त्री है वो तो तीनों की बारे सुन रही है, अपने बेटे की कोई प्रशंसा नहीं करती। वो कहते हैं कि मेरे बेटा तो गंधर्व सा गायक भी नहीं है, भीम जैसा बलवान भी नहीं है और बृहस्पति जैसा बुद्धिमान भी नहीं है। अब हम आगे देखते हैं। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। फिर क्या हुआ, कुछ समय हुआ उसके बाद सब तीनों चारों स्त्रियां हैं अपने सिर पर घड़े लेकर वहां पर घर आने के लिए निकल पड़ी। तभी इसी गीत का मधुर स्वर सुनाई दिया। सुनकर पहली स्त्री बोली, आवाज़ गीत की आवाज़ सुनी तो वो सुनकर पहली स्त्री कहती है, सुनो मेरा हीरा गा रहा है, हीरा यानी अच्छा बेटा नररत्न। कहते हैं कि जो ये सुनो मेरा बेटा जो हीरा है वो सबसे अच्छा है, नररत्न है, वो गा रहा है। तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है, तुम लोगों ने सुना इसका गला कितना मधुर है, कितना अच्छा गाता है वो, और उसका कंठ मधुरता के कारण लोग उनकी वो जो गाना है वो सब सुनने के लिए आते हैं। वो लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते निकल गया। वो लड़का अपनी माँ और तीनों औरतें वहाँ से जा रही थी, उसके सामने देखता भी नहीं है और वो गीत गाता वहाँ से उस रास्ते निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, उस लड़के ने अपनी माँ की तरफ जरा भी ध्यान दिया नहीं, वो वहाँ से गीत गाता हुआ चला गया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। थोड़ी देर हुई उसके बाद दूसरी स्त्री होती है उसका बेटा वहाँ से उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री ने उससे देखकर गर्व से बोली, दूसरी स्त्री होती है बहुत अभिमान से बहुत गर्व से बोली, देखो यह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। लाडला यानी प्यारा दुलारा। ये वो दूसरी स्त्री क्या बोलती है, देखो यह मेरा बहुत ही प्यारा बेटा, मेरा बहुत ही लाडला बेटा, दुलारा बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है। सामर्थ्य यानी बल, योग्यता। ये कहती है कि शक्ति और बल के आगे इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, इतना वो उसमें शक्ति है, उसमें सामर्थ्य है, उसमें ताकत है, ऐसा मेरा बेटा है। वह यह कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। ये स्त्री दूसरी स्त्री कहती है कि मेरा बेटा इतना सामर्थ्यमान है, इतना शक्तिशाली है, ये सब बोल कहती है। इतने में उसका लड़का उसका बेटा वहाँ से चला गया, उसने अपनी माँ की तरफ देखा भी नहीं। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। इतने में तीसरी स्त्री का लड़का वहाँ से गुजर रहा था, वहाँ से निकल रहा था और उसने संस्कृत श्लोक होते हैं उसका पठन करता हुआ वहाँ से निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था कि मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती का विराजमान हो। उच्चारण यानी बोलना, उसके बोलने से लगता था उसके गले में से साक्षात सरस्वती बैठी हो, ऐसा लग रहा, इतना अच्छा उसका गला था। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा, तीसरी स्त्री बहुत भावपूर्ण होकर स्वर में कहती है, देखो यही है मेरी गोद का हीरा। तीसरी स्त्री का उसकी बारी आई, वो कहती है कि देखो ये मेरी गोद का हीरा है, मेरा बहुत ही वाला बहुत प्यारा बेटा है मेरा, इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा, ये इतना अच्छा बेटा है मेरा, इतना प्यारा बेटा है, सभी बातें मेरा सब वो काम करता है, मेरा सब बातें मानता है, वो बृहस्पति अवतार है। परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना ही आगे बढ़ गया। वो लड़का तीसरा लड़का भी आता है, वो श्लोक बोल संस्कृत श्लोक को गाता गाता वहाँ से बोलता हुआ पठन करता वहाँ से गया, उसने भी अपनी माँ की तरफ देखा नहीं। इस तरह तीनों स्त्रियों के बेटे वहाँ से गुजरे, अपनी माँ के तरफ उन्हें देखा नहीं, उसको उसकी माँ के सिर पर जो घड़ा है जो पानी भरा हुआ उसको भी उन्होंने मदद करने की कोशिश नहीं की। वह अभी थोड़ी दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आग निकला। तीनों स्त्रियों और चौथी स्त्री तो सब वहाँ से जा रही थी, लेकिन तीसरी स्त्री का बेटा जाने के बाद चौथी स्त्री है वो उसको बेटा अचानक उधर आ पहुँचा, वहाँ से निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था, सरल यानी बहुत साधारण था।
तो क्या कहते हैं यहाँ पर कि वह देखने में कैसा था, एकदम सीधा साधा और स्वभाव इसका एकदम खालस ऐसा था। उसे देखकर ही चौथी ने कहा, भवन यही मेरा लाल है। लाल यानी कीमती पत्थर, कैसा होता है ऐसे इतना वो पत्थर कीमती है और मेरा प्यारा है। तो चौथी स्त्री कहते हैं, देखो देखो भवन, ये मेरा लाल है, ये मेरा भवन प्यारा बेटा है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा उसके पास आ पहुंचा। चौथी स्त्री अपने बेटे के बारे में कह रही है, इतने में ही उसका बेटा वहां पर आ पहुंचा। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूँ। तीनों स्त्रियों के बेटे हैं वहाँ से गुजरते हैं, लेकिन अपनी माँ की कोई मदद नहीं करते। लेकिन चौथी स्त्री का बेटा है वहाँ आता है और अपनी माँ के पास खड़ा रह के वहाँ पर उसकी माँ के सिर में से घड़ा लेने के लिए कहता है कि माँ लाओ तुम्हारा घड़ा मैं घर पहुँचा दूँ। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतार कर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। चौथा लड़का क्या करता है, अपनी माँ की उसको उसको पता है कि माँ कितनी कितना काम करती है, तो उसको अपनी माँ की प्रवृत्ति उसको प्रेम भाव था, तो वो क्या करता है उसकी माँ से माँ के सिर से कड़ा उठा लेता है और अपने सिर पर रख के घर की ओर निकल पड़ता है। और इस तरह तीनों बेटों में चौथा जो लड़का है, चौथा जो बेटा है, ये सर्व में श्रेष्ठ है। तीनों औरतों बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। तीनों तीनों औरतें होती हैं, तीनों स्त्रियाँ अपनी वो जो चौथी स्त्री है उसके बेटे को देख रही थी कि कितना वो अपनी माँ को कदर करता है, अपनी माँ उसकी माँ का ध्यान रखता है। और उसने अपना माँ अपनी माँ के सिर पर से घड़ा उठाकर घर की ओर चल गया। तो इस तरह मेरे बेटे तो ऐसा कुछ नहीं किया, और तीनों को समझ में आया कि कौन सच्चा हीरा है। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई उनकी इनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। जो तीनों चार स्त्रियाँ थी उसके पीछे एक वृद्ध महिला जा रही थी, चल रही थी, वो आगे आई और तीनों स्त्रियों से कहती है कि देख क्या रही हो, ये तीनों तुम्हारे तीनों लड़कों में से चौथा लड़का जो था अभी जो उसकी माँ की मदद करके गया वही सच्चा हीरा है। सच्चा हीरा ऐसी कदर कैसे होती है, जो अपना अपने घर का अपनी माँ का सबका ध्यान रखता है उसे सच्चा हीरा बोलते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, तुम्हें भी अपने घर पे घर की और अपने माँ बाप के अपने भाई बहन के लिए सच्चा हीरा बनना है। सच्चा हीरा नहीं, उनकी कदर करनी है, उनका काम करना है, उनके लिए सच्चा हीरा बनना है। और इस तरह से हमें सच्चा हीरा बन के अपने अपने घर का अपने अपने परिवार का अपने देश का नाम रोशन करना है। आया पाठ यहाँ पूरा थाय आती काले टेस्ट एनो आवशे 20 मार्क्स नो जो उम्र में आवशे तमारे लखवा रहेशे। थैंक यू।